हाय एवरीवन, चंदा दी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने किचन में केले का एक डिफरेंट सब्जी बना रही हूँ, बिल्कुल फिश स्टाइल। आप पकड़ भी नहीं सकते हैं कि ये फिश है या केले की सब्जी है। तो देखिए, इसके लिए मैं 4 केला ली हूँ और इसे छील के मैं पतले पतले ऐसे कट कर दी हूँ और इसे मैं एक साइड कर देती हूँ। जब तक मैं कढ़ाई में तेल भी डाल के गर्म कर रही हूँ और ये हमारे पास 1 कप बेसन है, इसमें मैं नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी मिर्चा पाउडर डाल के एक और चुटकी भर मैं इसमें मीठा सोडा डाल रही हूँ, चुटकी भर। और अब मैं इसे एक पेस्ट बना देती हूँ। ये देखिए करके अजवाइन ये भी चुटकी भर मैं डाली हूँ। तो गाइस, ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें अपने केले के स्लाइस को, ये देखिए कितना अच्छा हमारा बना है बैटर, और इसे मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। ये सब्जी बहुत बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, बिल्कुल फिश की तरह लगेगा खाने में। और केला तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, इसमें आयरन बहुत है कच्चे केले में। कच्चा केला खाने से आपका वेट भी लूज होता है, इसलिए मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ कुछ ना कुछ। एक लॉट में डाल चुकी हूँ और गैस का फ्लेम मैं कम कर दी हूँ ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। और नेक्स्ट मैं इसके ग्रेवी के लिए मसाला पीसूंगी। ये देखिए, एक टमाटो ली हूँ मैं, ये लहसुन है, ये प्याज है और ये फिश की तरह मैं बना रही हूँ तो ऑब्वियस है इसमें मैं सरसों भी डालूंगी। इसमें मैं सरसों डाल रही हूँ, ये 2 चम्मच सरसों है। इसका जा रही हूँ मैं स्मूथ सा पेस्ट बनाऊंगी पीस के। तो गाइस, ये देखिए हमारा ये जो केले का मैं बना रही हूँ, ये पक चुका है, एक तरफ से फ्राई हो चुका है। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। और अब सारे को मैं फ्लिप कर दे रही हूँ। आप, मैं जब भी बनाती हूँ कुछ, फ्राई करती हूँ तो चाकू इससे बहुत अच्छे से ये फ्लिप हो जाता है। 2 मिनट में इसे और पकने देती हूँ। देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे स्ट्रेनर में निकाल देती हूँ ताकि सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें चला जाए। और फिर से मैं एक बैच फिर से डाल देती हूँ। ये देखिए, गैस का फ्लेम मेरा कम ही है, अभी लो टू मीडियम ही है, इसी में मैं डाल रही हूँ ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए हमारा लास्ट बैच भी बनके तैयार हो चुका है फ्रेंड, मैं इसे इसमें डाल दी हूँ। ये देखिए सारे को मैं फ्राई कर दी हूँ। अब मैं इसके ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैं कढ़ाई में, देखिए थोड़ी सी ये मेथी दाना डाली हूँ और तेल डाल दी हूँ इस पर। और अब मैं इसमें ये जो मसाला कप मैं बनाई थी, प्याज, लहसुन और टमाटर का, वो थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी मिर्चा पाउडर आपके स्पून, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, सारे कुछ मैं डाल दूँ और इसे मैं
अब अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे मसाले को अच्छे से भूनूंगी। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा मसाला भून रहा है, अभी ये भूना नहीं है, अभी तेल इसका रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अभी और भूनूंगी। बट इसकी स्मेल बिल्कुल फिश की तरह आ रही है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और कमेंट्स ज़रूर दें फ्रेंड कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए हमारा मसाला भून चुका है और अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच दही डालूंगी और 2 मिनट मैं इसे और भून देती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है और अब मैं इसमें हर बार की भांति गर्म पानी अपने मसाले में ऐड कर दे रही हूँ। तो गाइस ये देखिए हमारा ग्रेवी पक चुका है, अब मैं इसमें अपने केले के पीसेज को डाल दे रही हूँ। दो मिनट मैं इसमें छोड़ देती हूँ। ये देखिए हमारी केले की सब्जी बनके तैयार है और अब मैं इसे डिस आउट कर देती हूँ। आप देख सकती हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ, बिल्कुल फिश की तरह मैं इसे बनाई हूँ। तो फ्रेंड आप भी अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे मैं हरी मिर्च से डेकोरेट कर देती हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, शेयर भी करें और ट्राई ज़रूर करें और कमेंट्स दे ज़रूर फ्रेंड कि हमारी ये केले के सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।